और सबसे पहले एक सबसे अहम खबर, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत तमाम देशों की बैंकिंग और एयरलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं। मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन रुकने की वजह से यात्री परेशान नजर आए। बताया गया कि परेशानी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से आई। 59% यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें लॉग इन करने में दिक्कतें आईं। 22% ऐप और 19% वन ड्राइव सेवाओं के इस्तेमाल में भी दिक्कतें हो रही थीं। हालांकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी कर ये दावा किया है कि उनका सर्वर ठीक हो चुका है, सर्वर में आई दिक्कतों को दूर कर लिया गया है, ऐप्स और कई सेवाएं बहाल की गई हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमरीश पांडे लाइव हैं। अमरीश, बताइए क्या अपडेट मिल रही है? हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से तो कहा गया है कि समस्या ठीक कर ली गई है। कि माइक्रोसॉफ्ट ने तो 2 घंटे पहले ये कहा था कि हमने समस्या क्या है, इस वजह को जान लिया है और जल्दी उसका निस्तारण किया जाएगा। अब जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर काम शुरू कर दिया था, सभी जो उसके यूजर्स हैं उनको एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि आप अपने सिस्टम को एक तय पैटर्न में रिबूट कीजिए। अब जबकि सर्ट की एडवाइजरी, माइक्रोसॉफ्ट की एडवाइजरी के बाद सभी ने वो सिस्टम रिबूट करना शुरू किया है, तो हम देख रहे हैं कि लगभग 14 घंटे का ये जो हाईजैक था वो खत्म होता नजर आ रहा है और 14 घंटे के बाद सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गई हैं। अगर सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो हमने शाम को जायजा लिया था लगभग 6:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट का, और वहां हमने देखा कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके सिस्टम रिबूट पे लगा दिए जा चुके हैं और एयर इंडिया का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चालू हो गया, उसकी प्रिंटिंग भी टिकटों की चालू हो गई है, लोगों की जो चेक इन और बाकी जो सुविधाएं वो एयर इंडिया ने बहाल कर दी है, जबकि इंडिगो का कहना है कि अगले 15 से 20 मिनट में उसकी सेवाएं भी दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा देश के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर भी रिबूट करने का सिस्टम को कि अगले कुछ मिनटों में या कुछ घंटे में कहें तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी सुविधा लोगों को मिल सकती है, अगले कुछ घंटे में लगभग सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। बात करें अगर हम बाकी जो सिस्टम है बैंकिंग, टेलीकॉम या बाकी सिस्टम का, तो वहां भी सिस्टम के रिबूट करने का काम शुरू हो गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगले 2 से 3 घंटे महत्वपूर्ण होंगे इस पूरे सिस्टम को किस तरह से पटरी पर लाया गया है वो देखने के लिए। साथ साथ एक भारत सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर भी बनाए हुए, आईटी मंत्रालय, एविएशन मंत्रालय, साथ साथ जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार संपर्क में है माइक्रोसॉफ्ट के, और उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए एहतियाती कदम पर अभी से सोचने की जरूरत है। लिहाजा भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय है वो इसके लिए एक स्ट्रेटजी अभी से बनाना शुरू कर सके। बिल्कुल, इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरह से एक कंपनी का सिस्टम डाउन होता है और पूरी दुनिया ठप पड़ती हुई नजर आती है, जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।